मनोज राय पुत्र शैलेंद्र कुमार राय जो है ये बक्सर बिहार के रहने वाले थे। तो इनके जो है घटना जो है 14/7/2001 की जो है, इनके पिताजी जो है FIR में लिखे हैं, इनके पिता जो मनोज कुमार राय के पिता शैलेंद्र कुमार राय द्वारा एक FIR जो है 2023 में मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज कराई गई है 22/10/2023 को, कि हमारे लड़के को जो है कुछ लोग आए थे जो कि मुख्तार अंसारी के आदमी थे और ले गए वहाँ यूसुफपुर में, और वहाँ 14 को उसकी हत्या कर दी गई। और मुझे जो है मतलब 22 वर्ष तक गाजीपुर में उनके डर की वजह से मैं मुकदमा नहीं कर सका। तो 22 वर्ष तक उन्होंने कोई सूचना जो है गाजीपुर में नहीं दिया, ठीक है, लेकिन वो बक्सर के रहने वाले थे तो बक्सर में तो मुख्तार अंसारी विधायक नहीं थे। 22 वर्ष तक उन्होंने बक्सर में बिहार में भी किसी को सूचना नहीं दिया। और जो मनोज राय जिसकी हत्या की बात FIR हुआ है, जिसकी हत्या के बाबत 2023 में उनके पिता ने कराया है, वही मनोज राय उसरी चट्टी कांड में 15 जुलाई 2001 को ट्रक पर डाला पर बैठकर गोली चला रहे थे और अज्ञात शव के रूप में उनका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा पुलिस ने कराया और चार्जशीट भी लगाया हुआ उसमें ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और अनिल सिंह और ट्रक मालिक राज नारायण मुलजिम बने थे। राज नारायण और अनिल सिंह की मृत्यु हो गई, इसलिए उनकी फाइल अबेट कर दी गई है और त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह के खिलाफ यहाँ मुकदमा चल रहा था। 5 गवाह भी हो गए थे। रमेश ड्राइवर जो कि कोर्ट में बयान दिया है कि 15 जुलाई 2001 को मैं मुख्तार अंसारी की ड्राइवर था और गाड़ी चला रहा था और उसरी चट्टी पर एक ट्रक खड़ी थी और उसमें बैठे लोग जो है एक अज्ञात हमलावर था और बाकी लोग जो है अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे जिससे कि मुख्तार अंसारी भी घायल हो गए, उनकी गाड़ी भी छलनी हो गई और उस घटना में चार्जशीट भी लग गई। वही मुख्तार अंसारी का ड्राइवर रमेश राम फिर इस घटना में भी गवाह बना दिया गया इस मनोज राय वाले में, और इसराइल और तौकीर अहमद तीनों जो है घायल और चश्मदीद गवाह थे उसरी चट्टी के, और तीनों इस केस में भी गवाह बन गए जबकि तीनों की गवाही न्यायालय में हो चुकी है। उसरी चट्टी में चश्मदीद और घायल गवाह है और तीनों कह रहे हैं कि हम लोग 15 जुलाई को घटना हुई थी वहाँ। तो प्रश्न ये उठता है कि मनोज राय तो एक ही व्यक्ति थे, उनकी हत्या 2 दिन कैसे हुई, एक 14/7 को हुई रात्रि में, अब फिर उन्हीं की हत्या 15 जुलाई 2001 को हो रही। पुलिस के कथनानुसार, पुलिस की चार्जशीट के अनुसार मनोज राय की हत्या 2 दिन हुई, एक ही व्यक्ति की हत्या, यह तो कभी भी संभव ही नहीं है। और इतिहास में ये पहला मुकदमा है पूरे भारतवर्ष में कि 22 वर्ष के बाद FIR, ये पहला FIR है पूरे भारतवर्ष। क्या इस केस में मुख्तार अंसारी का जो ड्राइवर रहा है वो गवाही से मुकर गया है? मुख्तार अंसारी का ड्राइवर रमेश राम ने गवाही जो है उसरी चट्टी में न्यायालय में दे दिया है कि उसरी चट्टी पर घटना घटी थी, लेकिन मनोज राय वाले हत्या में पुलिस ने जो उसका 161 का बयान लिखा है वह रमेश राम के बयान में लिख दिए है पुलिस ने कि रमेश राम जो है यहाँ पर यूसुफपुर मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी के आवास पर कह रहा है कि हम चश्मदीद गवाह है और हम वहाँ मौजूद थे और फला फला लोग जो है इन लोगों ने मनोज राय को मारा है, वो अपनी गवाही से मुकर रहा है। अब आज तो देखिए डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो है मुख्तार अंसारी की तरफ से हमारे द्वारा दी गई थी धारा 227 CRPC के अंतर्गत, जिस पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट महोदय द्वारा जो है बहस सुनी गई है और मुख्तार अंसारी जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्थित थे, और हमारी बहस सुनने के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट महोदय द्वारा जो है 10 जनवरी तारीख पर, अभी तक इसमें कितने लोगों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दायर किया है? अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन अभी हम देख रहे हैं, डिस्चार्ज एप्लीकेशन तो देखिए अलाउ नहीं होगी, अलाउ डिस्चार्ज एप्लीकेशन माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय अब जो भी आदेश करें, लेकिन जैसा कि हमें लगता है कि 227 में अलाउ होना संभव नहीं है, तो अब चार्ज के लिए 10 तारीख लगी है चार्ज फ्रेम के लिए। सन 2001 में मनोज राय की हत्या हुई थी, उसी के संदर्भ में उसके पिता शैलेंद्र राय ने एक
अपराध संख्या 23/23 थाना मोहम्मदाबाद में पंजीकृत कराया था। उसी के संबंध में विगत तिथि पर अभियुक्त जफर उर्फ चंदा की ओर से 1/227 CRPC की दरखास्त अपने आप को उक्त मुकदमे से डिस्चार्ज करने के लिए दी गई थी। माननीय न्यायालय ने चूँकि इसी प्रकार की एक दरखास्त सरफराज और मुन्नी की तरफ से दी गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरफराज और मुन्नी की वह दरखास्त खारिज कर दी थी, और पुनः जब इसी प्रकार की दरखास्त जफर चंदा की ओर से गत तिथि पर दी गई तो माननीय न्यायालय ने इस पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया था और कहा था कि जिसको भी इस संबंध में अगर कोई दरखास्त देनी है तो 4 तारीख तक दें, और आज 4 तारीख को उसकी सुनवाई के लिए रखा था। तो आज अभियुक्त मुख्तार अंसारी की ओर से भी 1/227 CRPC की दरखास्त पड़ी है, और दोनों ही दरखास्तों पर सरफराज जफर चंदा तथा मुख्तार अंसारी की दरखास्त पर आज सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आदेश के लिए 10 जनवरी 2024 नियत किया है। क्या मामला था? मामला ये था कि मनोज राय को उसके घर से लिवाकर और मुख्तार अंसारी और उनके आदमियों ने अपने निवास पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया था, और उसी के संदर्भ में उनके पिता द्वारा मुख्तार अंसारी और उनके साथियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मोहम्मदाबाद 23/23। तो इसमें कोई गवाह भी पुलिस ने प्रयुक्त किया है? नहीं, अभी तो इसमें चार्ज ही नहीं बना है, तो गवाह आज कोई प्रोड्यूस होने का कोई मतलब नहीं है। केसदारी में जो बयान है वो जब चार्ज बनने के बाद एविडेंस की स्थिति आएगी तो उसको देखा जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या ये माना जाए कि मुख्तार अंसारी भी आज मौजूद थे? हाँ, मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मौजूद थे। तो उन्होंने कुछ उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है कि उन्होंने कहा कि यह मुकदमा फर्जी तौर पर पंजीकृत किया गया है और मेरे खिलाफ जो है राजनीतिक साजिश है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब इसमें 10 तारीख को क्या होना है? 10 तारीख को उस पर आदेश आएगा, जो आज दोनों प्रार्थना पत्र पर बहस हुई है उस पर आदेश आएगा कि माननीय न्यायालय अपना अभिमत देगा कि इसमें इन लोगों को चार्ज से बरी किया जाएगा या चार्ज फ्रेम किया जाएगा, ऐसा माननीय न्यायालय जो उचित समझेगा आदेश देगा। मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा कि 23 साल बाद मुकदमा लिखाया गया जो कि पोषणीय नहीं है। नहीं, देखिए, इस तरह के हत्या के मामलों में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। इस हत्या के मामले में अगर उस विलम्ब को अगर वादी द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है और उस एक्सप्लेन से माननीय न्यायालय सहमत होती है तो आगे न्यायालय जो चाहे आदेश कर सकती है, और इस स्टेज पर डिले FIR का कोई मतलब नहीं है। डिले FIR है तो वो एक्सप्लेनेशन ट्रायल के स्टेज पर देखा जाएगा उसका क्या है। मनोज राय के पिताजी भी उपस्थित थे? जी नहीं। आज कोई ड्राइवर इनका मुकदमा क्या है? नहीं, आज कोई गवाही नहीं, अभी तो चार्ज बना नहीं। चार्ज बनेगा तब उसके बाद कोई कार्रवाई हो गया।